everyone, this is class 7th chemistry chapter number 5, that is language of chemistry. This is part 4 of this chapter. So today we will discuss about characteristics of the chemical reactions, like chemical reactions and how, what type of characteristics chemical reactions actually have, like how do we judge that it's a chemical reaction. Like when any reactions happen, if there is change in color happens, if change in color comes, then we can judge that it's a chemical reaction. Change in color of a substance generally suggests that a chemical reaction has taken place. For example, beta, normally aap logon ne ye cheez ghar pe dekhi hogi ki if we put iron outside in the air, or you can say in the moist or in rain for few days, you will see that on iron, if you even you can do this by at your home by putting a iron nail in water for few days, and after putting it and then take it out, and you will see that within few days you will see a rusty substance over it, जिसको आप पंजाबी में या हिंदी में बोल देते हो कि उसको जंग लग गया, उसके ऊपर एक रस्टी सा सब्सटेंस जो है ना फॉर्म हो जाता है. दैट इज़ अ चेंज ऑफ कलर. हियर ही हैज़ गिवन यू एग्जांपल दैट व्हेन कॉपर कार्बोनेट जो कि दैट इज़ ग्रीन इन कलर, व्हेन वी हीट इट, इट टर्न्स टू कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड इज़ ऑलवेज ब्लैक इन कलर. जब आप इसको हीट करते हो, व्हेन यू हीट ग्रीन कलर कॉपर कार्बोनेट, इट टर्न्स टू कॉपर ऑक्साइड, दैट इज़ ब्लैक इन कलर, एंड साथ में गैस फॉर्म होती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. बेटा हियर वन थिंग, इफ़ इट्स अ गैस, देन व्हाट काइंड ऑफ एरो वी विल पुट इट विद, पुट विद इट, व्हाट काइंड ऑफ एरो वी विल पुट, अपवर्ड एरो, राइट, वी विल पुट अ अपवर्ड एरो विद इट. ओके, एंड नेक्स्ट he has given the same example here, that when dissolved in dilute sulfuric acid, iron nail he said it's gray in color. When we dissolve it into the dilute sulfuric acid, it's a acid na, H2SO4 sulfuric acid. Dilute, ये मैं आपको बाद में समझाऊँगी. Dilute actually बेटा होता है कि जो ज़्यादा strong नहीं होता. एसिड को पानी में मिक्स किया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, और उसको डिल्यूट बना लिया जाता है ताकि वो बर्न ना करे, किसी चीज़ को जलाए ना, अदरवाइज एसिड यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है. तो उसको क्या करेंगे, उसके अंदर उसने क्या बोला, आयरन नेल को डालना है. अब आयरन क्या होता है, असल में मेटल होती है, ठीक, एंड गिव्स अ लाइट ग्रीन सोल्यूशन ऑफ द आयरन सल्फेट. ही सेड कि व्हेन आपने क्या करना है, आयरन को, आयरन का सिंबल होता है Fe प्लस H2SO4 लगा रहे हैं हम, उसमें डाल रहे हैं, तो क्या होगा, ही सेड कि जो आयरन है दैट फॉर्म्स आयरन सल्फेट, मीन्स FeSO फॉर्म हो जाता है, SO4 फॉर्म हो जाता है, ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है और H2 अकेला रह जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज़ अ गैस, सो वी विल पुट अपवर्ड एरो विद इट. ही सेड कि जब आप किसी मेटल को किसी एसिड के अंदर डालते हो तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. ये एक जनरल केस है, ये ऐसा ही होता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस. एंड यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, आयरन सल्फेट फॉर्म हो गया. इसको आयरन सल्फेट बोलेंगे, SO4 होता ही सल्फेट है, ठीक है. तो अभी देखो, आयरन जो था वो ग्रे कलर का था, सल्फ्यूरिक एसिड डिल्यूट था हमारे पास, तो ग्रे से वो क्या चेंज हो गया है, अब लाइट ग्रीन में चेंज हो गया, तो इट्स अ केमिकल रिएक्शन, राइट बेटा. नेक्स्ट ही हैज टेल यू दैट कि हाउ वी कैन जज इट्स अ केमिकल चेंज, दैट द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कि जब कोई रिएक्शन होता है उसमें से गैस रिलीज होती है, कुछ फ्यूम्स रिलीज होते हैं, देन वी कैन से दैट इट्स अ केमिकल चेंज. लाइक उसकी एडोर जो है थोड़ी चेंजिंग एडोर वहाँ से निकलती है, तो हम बोल देंगे दैट इट्स अ केमिकल चेंज. ही हैज़ टेकन एन एग्जाम्पल, ही सेड अमोनिया हैज़ अ पंजेंट स्मेल, बहुत तीखी सी स्मेल होती है अमोनिया की, उसको पंजेंट स्मेल बोलते हैं. एंड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, ही सेड उसकी स्मेल कैसी होती है, जैसे रोटन एग्स होते हैं, रोटन एग मीन्स गले हुए एग होते हैं, जो सड़े हुए एग, वैसी बड़ी गंदी सी स्मेल होती है इसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड की. There are chemical tests also for different gases. For example, carbon dioxide turns
लाइक आफ्टर कहता कि गैस के बिना हमारे गैसेस के लिए कुछ और भी हमारे पास डिफरेंट टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको अगर आप टर्न्स लाइम वाटर मिल्की की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अगर वो लाइम वाटर में से आप उसको पास करोगे ना, तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, एकदम से मिल्की हो जाता है, उसका कलर थोड़ा दूध जैसा हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी, व्हेन इट स्टॉप पासिंग तो वो वापस अपना कलरलेस हो जाता है। लाइम वाटर वैसे कलरलेस होता है, जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है तो कुछ सेकंड के लिए वो मिल्की टर्न हो जाता है। उसके हिसाब से हम इसको जज कर लेते हैं कि जो गैस रिलीज हुई वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, राइट। एंड देन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास अगर आप बेटा व्हेन इग्निटेड मींस कि आप उसको बर्न करते हो ना, हाइड्रोजन के पास कोई बर्निंग आप मैच स्टिक लेके जाते हो, तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम पॉप साउंड कहते हैं, एक पॉप सा साउंड प्रोड्यूस होता है, देन वी कैन जज दैट इट्स अ हाइड्रोजन गैस। हेयर ही हैज़ गिवन यू एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ गैस, दैट्स व्हाई ही इज पुटिंग अपवर्ड एरो। एंड सेम हेयर बेटा, यू कैन चेक इट, सेम थिंग्स ही हैज़ गिवन यू। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट्स अ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस, व्हेन वी पुट अ सॉल्यूशन इनटू अनदर वन एंड वी कैन टेक आउट द प्रेसिपिटेट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, राइट। ही हैज़ गिवन यू फॉर एग्जाम्पल्स दैट सोडियम कार्बोनेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, both are colorless solutions and when they both react with each other they form barium carbonate, barium combine ho jata hai carbonate ke sath, it forms barium carbonate, baki kya bacha sodium chloride, so it forms ye combine ho ke kya form kar dete hain, sodium chloride form kar dete hain, ye jo hai colorless hota hai lekin ye white precipitate form hote hain, precipitate maine I have told you that it's a solid substance, that's why he put the arrow in the downward direction। हेयर लेड एसिटेट कलरलेस सोल्यूशन, अगेन पोटेशियम आयोडाइड इज ऑल्सो अ कलरलेस सोल्यूशन, वैन दे कम्बाइन विद ईच अदर दे फॉर्म लेड आयोडाइड, इट्स अ जेलो प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट दैट्स वाई ही इज पुटिंग डाउनवर्ड एरो, एंड हेयर पोटेशियम एसिटेट इज द कलरलेस सोल्यूशन, राइट बेटा। प्रेसिपिटेट यू कैन सी हेयर, कुछ अलग सा दिख रहा है, ऊपर लिक्विड है, ये कुछ नीचे सेटल हुआ है, सेटल टू द बॉटम समथिंग, गिवन एग्जाम्पल दी हुई है इसने, देखो दोनों को आपस में रिएक्ट करा, येलो जो है लेड आयोडाइड का जो कलर है, और हेयर यू कैन सी द प्रेसिपिटेट दैट इज सेटल टू द बॉटम, वी कैन टेक इट विद द प्रेसिपिटेट्स विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, राइट बेटा। सो नेक्स्ट ही हैज टेल यू इट्स दिस इज द लास्ट टॉपिक, आफ्टर दैट योर चैप्टर विल बी डन। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मीन्स कि स्टेट क्या होती है, सॉलिड लिक्विड गैस एक्वा, दीज ऑल आर द स्टेट्स ना। ही सेड चेंज इन स्टेट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन मैनी रिएक्शंस, फॉर एग्जाम्पल अ गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज अ गैस एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, वैन दे बोथ रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म वाटर, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, राइट। एंड देन अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड, वैन अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड इट फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया इज अ गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ गैस, वैन दे फॉर्म अमोनियम क्लोराइड इट बिकम सॉलिड, सॉलिड लाइक इट्स अ चेंज ऑफ स्टेट ना, बोथ वर गैसेज दे फॉर्म द सॉलिड सब्सटेंस, दिस इज द चेंज इन स्टेट। वी हैव लर्न दैट बेटा हाउ डू वी ऑब्जर्व दैट देर इज अ केमिकल चेंज, इफ द चेंज इन कलर हैपन्स, देन इफ द एवोल्यूशन ऑफ गैस हैपन्स, एंड देन इफ द प्रेसिपिटेट्स फॉर्म, or you can say if the change in state happens, then we can say that it's a chemical change, okay। with the help of video you can now read your chapter and prepare it for the exam, thank you।